है, ये बड़े स्पेशल लोग हैं, कोई हर हर बंदा जो है वो ऐसा गा नहीं सकता। फिर आपने जब गाया तो फिर आपने तो उड़ा के रख दिया। इट्स नॉट जस्ट दैट यू वर नाजिया हसन ब्रदर, माशाल्लाह यू सैंग सो वेल विद हर एंड विदाउट हर ऑल्सो। वो हमने देखा अपनी आंखों से और हम हैरान भी नहीं हुए, क्योंकि हमें लगा कि नाजिया ऐसा गाती है तो उसका भाई भी ऐसा ही गाता होगा और ऐसा ही गाना चाहिए। अच्छा, फिर बिद्दू से कैसे मुलाकात हुई वो जो? बिद्दू से मुलाकात हुई थी लंदन में, और ये जो सबसे पहले नाजिया ने गाना गाया था वो आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, तो कुर्बानी जो है वो फिल्म हिंदुस्तानी फिल्म बन रही थी वहाँ लंदन में। तो मेरे अम्मी और अब्बू वो जानते थे फिरोज़ खान, जीनत अमान को, तो घर पे आए हुए थे खाने के लिए। तो उन्होंने, मेरा गिटार पड़ा हुआ था जैसे पड़ा होता था कोने में, और उन्होंने कहा कि गिटार किसका है? उन्होंने कहा ये जुहेब का गिटार है। जुहेब कौन है? जुहेब हमारे बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाएं कि कुछ, बिकॉज होता है ना आफ्टर डिनर हाँ, ऐसे ही सब चलो कोशिश बच्चों, करते हैं अपनी। हाँ तो बच्चों के साथ उन्होंने कहा बैठो। कि चलो उसको बेचारा बुला लो, अकंपनी कर लेगा। तो मैं आया तो फिर नाजिया भी साथ आई। नेक्स्ट डे हमारा स्कूल भी था, तो नेचुरली हम अलाउ नहीं थे आने के लिए, तो हमें जल्दी सोना होता था। मगर उस दिन एक्सेप्शन थी, एक अम्मी ने आने दिया और उन्होंने कहा चले एक गाना आप गा दें। तो वो एक गाना हमने कुछ गाया, तो मेरी तो आवाज़ टूट रही थी उस वक्त। तो नाजिया ने गाया, तो जैसे वो होता है ना फिल्मों में, लिटरली फिल्मों में, हाँ वो फिरोज खान उठ के कहते हैं दिस इज इट, दिस इज द वॉइस आई हैव बीन लुकिंग फॉर। अच्छा, वो पूरा सीन, हाँ बिल्कुल पूरा सीन। हाँ और तो भी सर या, ये अपना सीन काम कर रहा है। डाउन काम हाँ डाउन। काम डाउन। तो एनीवे, तो नेक्स्ट डे उन्होंने अप्रोच किया मेरी फैमिली को कि नाजिया एक गाना गा सकेंगी। तो मेरी अम्मी और अब्बू जो है ना, बिल्कुल दे वर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम ट्रेडिशनली अ म्यूजिकल आई फैमिली। नो, तो हमारा एवरीवन बिल्कुल नोस। डिफरेंट था। तो वी आर बिजनेस फैमिली, तो वी वर स्टडिंग। तो अम्मी ने कहा कि ओके वन सॉन्ग। अम्मी इंकरेज्ड अस, अब्बू जो है बिल्कुल नो कैन डू। तो एनीवे, तो नेक्स्ट डे हम लोग गए और बिड्डू थे स्टूडियो में और मैं भी साथ गया था। तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है आप गाएं। तो जब हमने गाने को सुना तो नाजिया ने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्यों, गाना आप क्यों नहीं गाएंगी? हाँ, तो उन्होंने कहा इसलिए कि बिकॉज ये तो कॉपी है, ये वो बॉनी एम था ना ग्रुप, उसका ये उसका गाना। कॉपी था। तो मुझे भी उन्होंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो कॉपी है, हम तो नहीं गा सकते कॉपी को। तो फिर फिरोज खान ने बिड्डू को देखा, बिड्डू ने फिरोज खान को देखा, और एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तो फिर बिड्डू कहते हैं कि चलें ठीक है, मैं एक और मजीद गाना एक कंपोज करता हूँ, बिल्कुल नया फ्रेश। ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रैक। तो फिर उन्होंने, मेरा भी गिटार था, मैं गिटार अपना साथ लेके जाता था सब जगह। तो वहाँ मैं स्टूडियो में लेके गया था कि हो सकता है एक एक चांस मिल जाए वहाँ। तो मैं वहाँ गया तो बिडू ने कहा कि किसका गिटार है? तो मैंने कहा मेरा। तो मैं बैठा गिटार के ऊपर और मैंने स्ट्रम वॉर्म किया और बिडू ने एक मेलोडी बनाई, और वहीं वहीं स्टूडियो फाइनली में आप जैसा कोई बना था। वाह, क्या इतने मतलब हिस्टोरिकल गाने की एकदम से, यानी इतने थोड़े टाइम में आपने डिस्कवर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम अभी वापस आते हैं।